अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में तो आज मैं बना रही हूँ गजरेला इसके लिए दो किलो गाजरें हैं एक किलो चीनी है एक पाव आपने चावल ले लेने हैं जिनको सोफ करके आपने रख देने हैं इसके अलावा पाँच किलो मैंने दूध लिया है दूध को आपने अच्छा सा बॉइल दिला के इसको थिक कर लेना है सबसे पहले गाजरों को हम कर लेंगे मैश गाजरें हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं इसको मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी जी तो सबसे पहले आपने गाचरों को डाल लेना एक बड़े से पतीले में ही इसमें चावल डाल देंगे पानी आपने इसके अंदर एक गिलास ही सिर्फ डालना है क्योंकि गाजरों का अपना पानी होगा और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है यह गजरेला जल्दी बन जाता है ऐसे कवर करके इसको कुक करेंगे ये देखें दूध हमारा यहाँ पे थिक हो रहा है जी तो यहाँ पे देखें कि जो पानी डाला था वो ड्राई हो गया है और गाजरें भी कुक हो गई हैं चलें यहाँ पे दूध भी ठीक हो चुका है तो अब गाजरें और चावल जो मैंने आपके सामने को की हैं इनको हम दूध में शामिल कर देंगे और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा पकने देना है तब तक जब तक ये ठीक ना हो जाए दूध को पहले ठीक करने का आ, मकसद ये है कि इसमें फिर खोया ऐड नहीं करना पड़ता ये देखें जब आपको लगे कि गजरेला थिक हो गया है मतलब दूध थिक हो गया है तो अब आपने चीनी डालनी है चीनी आपने पहले शामिल नहीं करनी तो अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची और ग्रेड किया हुआ कोकोनट चलें जी यहाँ पे देखें कि गजरेले की लुक ही चेंज हो गई है और यहाँ पे गजरेला बनके बिल्कुल तैयार है <laughs> चलें यहाँ पे मैं बाउल्स की तैयार है तो मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें